ऐसा तो सोचना भी नहीं भांजे है, ऐसा तो सोचना भी नहीं भांजे। गुफी पेंटल, जिनका जन्म 4 अक्टूबर 1944 को हुआ था, यह पेशे से एक भारतीय अभिनेता और निर्देशक हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिका टीवी धारावाहिक महाभारत में शकुनी की थी। वह प्रसिद्ध हास्य अभिनेता और चरित्र अभिनेता पेंटल के बड़े भाई हैं। यह 1980 के दशक में कुछ उल्लेखनीय बॉलीवुड फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन धारावाहिकों और नाटकों में दिखाई दिए थे। इनका जन्म एक सिख परिवार में हुआ था। शुरू में एक इंजीनियर के रूप में प्रशिक्षित, वह अपने छोटे भाई जो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान में प्रशिक्षित थे, उनके अभिनय में आगे बढ़े। 1969 में बॉम्बे पहुंचे और गोफी जी ने मॉडलिंग की, फिल्मों के लिए सहायक निर्देशक के रूप में काम किया और विभिन्न फिल्मों और धारावाहिकों में अभिनय किया। उन्होंने अपने भाई को डायरेक्ट भी किया है। उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिका बीआर चोपड़ा और उनके बेटे रवि चोपड़ा द्वारा महाभारत रूपांतरण में मामा शकुनी की थी, जिसे पेंटल खुद अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका के रूप में पहचानते हैं व मानते हैं। दरअसल वे भारत में अपने शकुनी चरित्र से इतना ज्यादा जुड़े हुए हैं कि पेंटल जी ने समाचार चैनल सहारा समय पर शकुनी के चरित्र में एक राजनीतिक चर्चा शो प्रस्तुत किया। पेंटल जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु फिल्म का भी निर्देशन किया है, जो 16वीं शताब्दी के कृष्ण भक्त चैतन्य महाप्रभु के जीवन है, जिन्हें गौड़ीय वैष्णववाद के अनुयायी भगवान के अवतार के रूप में मान्यता देते हैं। फिल्म का निर्माण पवन कुमार जी ने किया था और संगीत रविंद्र जैन जी ने दिया था। 2010 में उन्हें मुंबई में अभिनय अकादमी में सुविधा का प्रमुख नियुक्त किया गया, जो उनके महाभारत के सह कलाकार पंकज धीर द्वारा स्थापित एक स्कूल था। तो शकुनी का किरदार निभाने वाले गुफी पेंटल जी जैसे अभिनेता आपको कैसे लगते हैं, कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय जय भारत। धन्यवाद।